अदर टेंस, अभी आपके हुए हैं, अभी आपका क्या किया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट, सॉरी तुला दूर कर दो, पास्ट परफेक्ट, और फिर करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। है ना, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव, इसके साथ में क्या यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे दोस्त। नेक्स्ट हैड विल यूज थर्ड फॉर्म, एंड हेयर वी विल यूज विल हैव एंड थर्ड फॉर्म, मतलब मैं सबके साथ पहले कंटिन्यूस 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 साथ, तो क्या यूज कर रहे थे हम आईएनजी फॉर्म, अभी परफेक्ट 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 है तो क्या यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्या यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कि बेसिक्स जो हेल्पिंग वर्ब सॉरी वर्ब है, राइट की रिटर्न होती है, गो की वेंट होती है, स्पीक की स्पोकन होती है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये आपको लर्न नहीं है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो शायद नंबर नहीं काटूंगा, लेकिन अगर आप पूरी आप स्पेलिंग को ही गलत कर दोगे तो नंबर काट लूंगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर नहीं काटूंगा इस बार, लेकिन अगर आपने पूरी स्पेलिंग ही गलत कर दी, ठीक है, तो नंबर आपका कट सकता है, तो देख लीजिएगा, समझ में आया। अब जैसे कि क्या है, अब आपको जो है ना ये सब्जेक्ट्स है आपके दे यू वी एंड आई, इसके साथ में आप यूज करोगे हैव, इसके साथ में आपको अच्छा है शी ही नेम, और जो भी आपका सिंगुलर मान लीजिए आप सिंगुलर, तो उसके साथ में आप क्या यूज करोगे हैज, और उसके बाद में हमें क्या यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इसमें इसमें जो है ना सभी सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करोगे, सब सब्जेक्ट के साथ में आपके एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही अगर वो दी, ठीक है। सबके साथ में क्या आएगा आपका हैड, और इसमें इसमें भी वही सेम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ में क्या आएगा आपकी एक ही बार, वो क्या है आपका विल हैव, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट चलो करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सी हैज डन, किसकी सेकेंड फॉर्म है, डू की, डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है डिड, थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, तो सी हैज डन को चलो करते हैं, सी हैज गोन टू इंदौर, सी हैज गोन टू इंदौर, आपको इसका नेगेटिव बनाना है, इंटरवेटिव बनाना है, इंटरवेटिव नेगेटिव बनाना है, बनाइए, और ये डब्ल्यू एच वर्ड से बना लेना है, बनाइए नेगेटिव। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका होगा, इसका क्या हो जाएगा, सी हैड गोन टू इंदौर, और इसका क्या होगा अफर्मेटिव में, She will have gone to Indoor. बनाइए। हाँ थर्ड फॉर्म अफर्मेटिव में लगेगी, नहीं सब में लगेगी भैया, थर्ड फॉर्म जो है ना ऐसा नहीं है अफर्मेटिव में ले, सर थर्ड फॉर्म नेगेटिव इंटरवेटिव इंटरवेटिव नेगेटिव, ये जो है ना ये फॉर्म का जो लपड़ा जो रहता है वो किसमें रहता है, प्रेजेंट डेफिनेटिव में और पास्ट डेफिनेटिव में, बाकी इन सेंटेंसेस में आपकी सब में ही वही आएगा, ठीक है। आयान आ गया, बड़ा ही फटाफट इसके भी बनाना है आपको।
नेगेटिव बनाना है आपको, इंटरवेटिव बनाना है आपको, इंटरवेटिव से बनाना है, वाई से बनाना है, इसमें भी आपको नेगेटिव बनाना है, इंटरवेटिव सॉरी क्योंकि बनेगा आपका इंटरवेटिव बनाना है, इंटरवेटिव नेगेटिव बनाना है, वाई से बनाना बनाए। हाँ सो केशव बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा? She has not gone to Indore. ठीक है, इंटरवेटिव बताओ। Has gone to Indore. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर has she not going gone to Indore? फिर why has she gone to Indore? Okay, very good. हाँ next. हाँ प्राची बताओ। She had not gone to Indore. ठीक है फिर had she gone to Indore? फिर had she not gone to Indore? Why had she gone to Indore? ठीक है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ आपका नाम भी प्राची है क्या? ओके स्टैंड अप बताओ इसका क्या होगा? She will बेटा नेगेटिव बनाना है। हाँ she will not have gone to Indore. चलो बता अब बताइए will हाँ have कहाँ रहेगा? वो उधर ही रहेगा बर्ब के साथ में। will she have gone to Indore? Interrogative, negative. Will she? Will, एक मिनट. Will she not? हाँ, have gone to Indore. ये जो have इधर का ये will have में जो have है वो कहाँ रहेगा? Verb के इधर साथ ही रहेगा. ठीक है तो will she not have gone? हाँ फिर बताइए. Why? Why will she have gone to Indore? Why will she have gone to Indore? Very good. आ गया समझ में कैसे करना है? ठीक है ये समझ में आ गया ना? अब करेंगे अपन इनकी प्रैक्टिस। देख लेना जरा ना। चलिए these are the questions. I have done my work. इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट दे विल हैव या शी विल हैव danced, इसको चेंज करना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट थर्ड विल आई हैव टॉट हिंदी, विल आई हैव टॉट हिंदी, इसको चेंज करोगे आप पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट राम हैड
ब्रोकन चेयर, इसको चेंज करोगे आप प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। चलिए अयान, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? आई हैव डन माय वर्क। पास्ट परफेक्ट क्या होगा? आई हैड डन माय वर्क, वेरी गुड। शी विल हैव डांस, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ वेरी गुड, क्या होगा इसका? सी हैज डांस्ड। नेक्स्ट, बिला हैव टॉट हिंदी, सिट डाउन। नैन्सी, बिला हैव टॉट हिंदी, पास्ट परफेक्ट। गलत, ये इंटरवेटिव है ना बेटा। क्या होगा इसका? हैड आई टी ए यू जी एस टी टॉट हिंदी, हैड आई टॉट हिंदी, ठीक है। अब राम हैड ब्रोकन, राम हैड ब्रोकन चेयर, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा इसका? राम हैज ब्रोकन चेयर, राम हैज ब्रोकन चेयर। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आगे समझ में? ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी थिंग यू कैन। लिख लिया क्या जो लिखना था पहले? सब कुछ लिख लिया है पूरा? सेकंड में हेड, अच्छा हैज लगेगा, तो हैज ही तो लगाया। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता, सी हैज, ओके सॉरी सॉरी। चलिए ठीक है, सी हैज डन, कर लीजिए, हो गया, लिख लिया ऊपर से, मिटाल दूं, कर दूं आप।